नमस्कार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी समाजवादी पार्टी समाजवाद को अपना पेटेंट बनाकर आगे बढ़ रही है और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव अखिलेश सरकार के साथ साथ लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके के आरोप आज तक समाजवादी पार्टी पर या अखिलेश सरकार पर लग रहे हैं उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर उससे अभी तक मुलायम सिंह यादव ने पल्ला झाड़ा है अखिलेश यादव ने पल्ला झाड़ा है जिसमें कहा गया है कि ये तमाम जो आरोप हैं ये मीडिया के लगाए हुए हैं या फिर बीजेपी के लेकिन सवाल यह है कि एक रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से भी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के हालात इराक या सीरिया से ज्यादा बेहतर नहीं है अब अमेरिका के पास ये रिपोर्ट किसने पहुंचा दी सवाल ये है और अगर मुलायम सिंह यादव इसका जवाब दें तो बेहतर होगा कि अमेरिका के पास क्या ये रिपोर्ट मीडिया ने पहुंचाई है या फिर बीजेपी ने इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, जुड़े हुए हैं और कुछ जुड़ेंगे उनका परिचय आपसे करा देते हैं पहले जे आर साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं जयवीर सिंह सपा नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी की तरफ से और दुष्यंत जी कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे मैं सबसे पहले जे आर सर साहब आपके पास आना चाहता हूँ अगर इस पूरी रिपोर्ट को देखा जाए तो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी मेरे ये एकदम और मौका प्रस्त से बड़ा ये आ, आ, कुछ भी नहीं है इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सीरिया इजिप्ट चाइना म्यांमार और नॉर्थ कोरिया से कंपेयर किया गया है जी। मुझे बताइए इसमें एक भी अमेरिका को सपोर्टेड कंट्री है ये तो सबको जानबूझ के किया गया हुआ ये तो मुझे ये लगता है कि मोदी जी को या बीजेपी की सरकार या इंडिया सरकार जो भारत में केंद्र में है उनको खुश करने के लिए एक कारपेट बिछाया गया कि ये लीजिए आप ही नहीं कहते हम भी कह रहे हैं दुनिया देखिए हम भी कह रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें उन्होंने मोदी जी को भी मुक्त नहीं किया है नहीं। मैं भी पढ़ते पढ़ते वही देख रहा था गुजरात गवर्नमेंट इज के केवल उसको रिपीट करना कोट करना चाहूंगा उस सेंटेंस को गुजरात गवर्नमेंट लेबलिंग ऑफ मुस्लिम एरिया एज डिस्टर्बड यानी कि मोदी जी को भी या भाजपा को भी क्लीन चिट नहीं मिलता है गुजरात भी डिस्टर्ब है मुस्लिम एरिया ये वो मानते हैं

खिये अमेरिका जो भी रिपोर्ट रिलीज करेगा अमेरिका एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत है और उसका लक्ष्य एक ही रहता है पूरी दुन, दुनिया, दुनिया का आर्थिक शोषण करना ठीक। तो कल तक गुजरात में अगर मुख्यमंत्री मोदी जी थे वो दूसरे तरह की बात अलाप रहा था आज वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री बन गए आज अमेरिका दूसरी तरह की बात करने लगा है नहीं वो तो आपकी पार्टी के बारे में कह रहा है ना वो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हालात इतने अच्छे हैं जितने इराक में और सीरिया इसलिये... में देखिए उत्तर प्रदेश में हालात किसी से छुपे नहीं हैं और इसमें आज क्लियर हो चुका कि हिंदुस्तान की नहीं बाहर की ताकतों का इसमें हिस्सेदारी है बाहर के यहाँ सहारनपुर में कैराना में सब जगह बाहर मुल्कों के दो लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं किसे पकड़ा आपने सहारनपुर की घटना के लिए बाहर का स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही जी। देश जानता है कि किसे पकड़ा गया गया है, में अगर किसे पकड़ा गया है सहारनपुर में जो बाहर का है लोग पकड़े गए हैं बाहर के आउट ऑफ इंडिया अमेरिका के है सहारनपुर में पकड़े गए हैं चार दिन पहले लोग अमेरिका के हैं हाँ अमेरिका के नहीं पाकिस्तान के हैं दूसरी तरफ और अ, अ, अमेरिका के और पाकिस्तान के रिश्ते सब जानते हैं चलिए ठीक है वापस आता हूँ आपके पास गोपाल कृष्ण जी बीजेपी अगर अपनी पीठ थपथपाए कि मोदी को इससे बाहर कर दिया गया है जे आर सर साहब ने उसे कोट कर दिया है कि वो भी अभी इससे पूरी तरह विमुक्त नहीं है नहीं ना बीजेपी अमेरिका के पीठ थपथपाने से मोदी के लिए खुश होने वाली है ना इससे नाराज होने वाली है जब वो मोदी जी के खिलाफ भी बातें करते थे या कोई भी बात करते थे ना हम उसकी परवाह करते थे और आज हम ये कोई नाचते गाते नहीं कि अमेरिका ने मोदी जी को मुक्त कर दिया हमारे ऊपर अपना स्वाभिमान है हम इस देश की जनता को ज़्यादा अहमियत देते महत्व देते इस देश की जनता ने आज मोदी जी को अपने मैंडेट दिया है और वह इस देश की होप है आशा की किरण है जिसके बल पे हम अपने स्वाभिमान को मजबूत मानते हैं अमेरिका के कहने से नहीं होता लेकिन फिर भी अगर कोई रिपोर्ट है जिसको कि अमेरिका ने रिलीज किया है और जो यूपी के हालात को इस तरह से कह रहे हैं और वस्तु स्थिति भी देखनी चाहिए केवल एक अमेरिका ने रिपोर्ट दे दी उसके कारण हम आज ये पूरी स्थिति को कि यूपी की हालत ख़राब है ये बात नहीं है यहाँ पे इतने सारे सौ से अधिक दंगे हो चुके हैं पिछले डेढ़ दो साल में हर क्षेत्र में जिस तरह से ये जो एसपी सरकार दंगों को रोकने में नाकाम रही है और एक अलग एक के बाद एक के बाद उसके कारण बढ़ते सवा, जा रहे हैं यही ही ही है कि यहाँ पर जिस तरीके से रिपोर्ट रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशंस ने भी अभी पीछे रिपोर्ट दी थी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब ये बदायूं की रेप की घटना हुई थी दोनों लड़कियों के ऊपर तब उनकी रिपोर्ट भी आई थी कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उत्तर प्रदेश की वह बहुत खराब है और यह सरकार पूरी तरह विफल है उस विफल लॉ एंड ऑर्डर की विफलता और इस सरकार की माइनॉरिटी अपीजमेंट इन दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के हालत आज बहुत ही खराब कर दिए आखिर सीरिया और उससे ये क्या मतलब ठीक, है ठीक है सब, उसकी हालत यही है कि वहाँ की अराजकता है वहां पे है, आ, एक धर्म की लड़ाई चल रही है और उसी तरह के ये कि अमेरिका की तरफ से ही जो रिपोर्ट दी गई है इसके क्या मायने यहाँ पर समझे जयरसन साहब आऊंगा मैं आपके पास लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और दिखाते हैं कि वास्तविकता में अमेरिका की तरफ से इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है उत्तर प्रदेश राज्य की सांप्रदायिक हिंसा की गूंज यूनाइटेड स्टेट में सुनाई दे रही है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें दुनिया भर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट में देश की राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश पर कई सवाल खड़े किए गए हैं रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को सीरिया बांग्लादेश श्रीलंका और इराक जैसे देशों के साथ लिस्ट में रखा गया है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी पर धार्मिक आधार पर जारी भेदभाव के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में असफल बताया गया है यूपी सरकार ने ऐसा माहौल तैयार किया है जिसमे अत्याचारी और हिंसक समूहों की हिम्मत इतनी बढ़ गई की उन्होंने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर लोगों पर हमले किए उत्तर प्रदेश की सरकार कमजोर समुदाय की सुरक्षा करने में नाकाम रही और कई अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित हुए इस वजह ऐसी लोगो को बड़े पैमाने आरोप विस्थापित होना पड़ा यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में मुजफ्फरनगर जिले में बीते साल अगस्त और मध्य सितम्बर में हुए दंगों का जिक्र किया गया है रिपोर्ट के मुताबिक इस सांप्रदायिक झड़प में पैंसठ लोगों की मौत हुई थी और अड़सठ घायल हुए जबकि 40 से पचास हजार लोगो को विस्थापित होना पड़ा जिसमें एक समुदाय के दो युवकों ने दूसरे समुदाय के युवक की हत्या कर दी हत्या करने वाले युवकों ने दूसरे समुदाय के युवक पर आरोप लगाया था कि उसने उसके परिवार की एक महिला सदस्य के साथ छेड़खानी की इस घटना के बाद दंगे भड़के सात सितम्बर को स्थानीय पुलिस और सेना ने कथित तौर आरोप गैर ढंग ऐसी इकट्ठा हुए हथियार बंद लोगों को कुछ नहीं कहा इसके अलावा प्रशासन ने कथित तौर पर राजनेताओं और समुदाय विशेष के नेताओं की ओर से हिंसा भड़काने वाली अपीलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वहीं से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को 2013 में हुए दंगों के कारण पहले स्थान पर रखा है जिसमें पूरे साल 2013 में दो सांप्रदायिक हिंसा हुई और इन हिंसाओं में 77 लोगों की जाने गई थी समाजवादी के नारे पर सरकार चलाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की 2014 की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है एक अनुमान के मुताबिक इस साल सांप्रदायिक हिंसा की संख्या करीब पैंसठ है और जिसमे कम से कम पंद्रह लोगों की जाने गयी है सहारनपुर की ताजा हिंसा में तीन लोग मारे गए हैं जबकि 33 लोग घायल हुए हैं लोहिया के समाजवाद के नारे पर वाहवाही लूटने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की धज्जियां अमेरिका में भी उड़ी मीडिया पर गलत रिपोर्ट दिखाने का आरोप लगाने वाली अखिलेश सरकार की सही रिपोर्ट विश्वपटल पर दिखाई देने से साफ जाहिर होता है कि कौन सही था कौन गलत कैमरा पर्सन चंदन के साथ में मोहित शर्मा सुदर्शन न्यूज़ तो सवाल यह है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद कौन अपनी पीठ थपथपाएगा और किसके लिए यह रिपोर्ट जो है उसी तरीके से नकारात्मक साबित होने वाली है जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा में अपने चुनाव के दौरान यहां पर स्थितियां झेली हैं बहरहाल जयरसन साहब आपके पास आना चाहता हूं पहले आप अपनी बात को पूरी कर लीजिए आप कुछ कहना चाहते थे देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इस रिपोर्ट के पीछे हम ये ना कहें कि यूपी सरकार या बीजेपी या कोई सरकार सबसे पहले तो ये रिपोर्ट कैसे तैयार की गई इसको पता करना चाहिए और हमारी अंदर इंटरनल पॉलिसी क्या है और उसमें क्या हो रहा है उसमें अमेरिका क्यों अपनी ना कर, गड़ाएगा या उस, उसको क्या मतलब हमारे देश में क्या हो रहा है यह सबसे बड़ा प्रश्न है और सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये दोनों नेशनल पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश को लिटरली में बेच दिया है आप ये जानिए कि इस पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा हुआ है जिससे आपके गली में कौन सी गाड़ी खड़ी है कौन सी मेक की है आप अपने बेडरूम में ये तो गडकरी जी के बेडरूम की बात हो रही थी अभी दो चार दिन पहले भी. आपके बेडरूम में हर आदमी क्या कर रहा है वो अमेरिका के पास आज के तार स्टोरेज का सिस्टम है और वो स्टोर कर रहा है आपका एक एक इंफॉर्मेशन तो ये तो मत सोचिए कि वो क्या कर रहा है भी. तो इन दोनों पार्टियों ने इस देश को बेच दिया है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं है ये लोग और अमेरिका भी क्योंकि इकोनॉमिकली इतनी बुरी हालत है उनकी कि वो अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए इंडिया की तरफ देख रहे हैं वो किसी तरह सोच रहे हैं कि मोदी जी खुश हो जाएं राइट एक्सट्रीमिस्ट जो ये बी लोग हैं ये लोग खुश हो जाए और कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे देश आप, में आ जाए अभी, अभी आप ही ने कोट किया कि उसमें जो है नरेंद्र मोदी को भी रिलीज नहीं किया गया रिपोर्ट में एक लाइन है पूरे रिपोर्ट में जस्ट वन लाइन वन सेंटेंस कोर्ट तो किया गया ना कि वहां पर जो है धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है उसके बाद जिस तरीके के फिर ये ये कैसे कहा जाए कि दोनों के अंदर पक्षपात किया जा रहा है नहीं, नहीं अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए अभी हमें

और उसके लिए आप जाने नहीं दे रहे हो वहां जाके कोई घूमने के लिए नहीं जा रहे थे वहां कोई बाकी लोगों को एड्रेस करने नहीं जा रहे थे नॉन रेजिडेंट इंडियन को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए एड्रेस जाने जा रहे थे उसको आपने करने नहीं दिया और आज क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और आपकी इकोनॉमी का रिवाइवल हो सकता है तो इसलिए आप कह रहे हो कि भैया आप तो तुम बहुत अच्छे हो आ जाओ आ जाओ मेरे देश में आ जाओ नहीं नहीं देखिए ये विषयांतर है मैं या आज हम फॉरेन पॉलिसी पे बात नहीं करें फॉरेन पॉलिसी पे बात करनी है चर्चा कर दिए तो बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स मोदी सरकार ने लिए हैं तो लुक ईस्ट वाली पॉलिसी बहुत अच्छी है सार्क को ऊपर उठाया है और चाइन जापान को भी अपने साथ मिला के चलने की बात है इकोनॉमिक रिवाइवल और इकोनॉमिक हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसकी इम्पोर्टेंस हम जानते हैं और उसको बारगेनिंग लीवरेज पावर भी हम जानते हैं और यह भी जानते हैं कि आज अमेरिका हमारा तरफ इसीलिए देख रहा है कि उसे यहाँ का मार्केट डोमेस्टिक मार्केट चाहिए यह बात कोई नई बात नहीं कर रहा है अभी हम चर्चा उसके हम बारे में बात कर लेंगे हम कोई अमेरिका के पीछे जल रहे हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन एक अच्छे देश इतने प्रभावशाली देश के साथ अच्छे संबंध बनाने में कोई बुरी बात नहीं है यह अच्छी बात है मुझे बोलने दीजिए आपको मैंने बोलने दिया था आज का विषय है कि क्या ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है इसके ऊपर अमेरिका ने एक टिप्पणी की है उसने रिपोर्ट आई है वह बात सही है कितने नहीं एक, मुझे, रिपोर्ट की बात पूरी हो नहीं। एक मिनट दो, रिपोर्ट दोनों रिपोर्ट दीजिए आज अमेरिका की बात छोड़िए सहारनपुर में क्या हुआ है सहारनपुर में जो दंगा हुआ आज वहां पे जो लोगों को अरेस्ट किया है वो पुलिस ने खुद कहा है कि यह पूरा सुनियोजित दंगा था माइक से अनाउंस किया गया कि वहाँ पे वो एक गुरुद्वारे को या एक धार्मिक स्थल को सिखों के धार्मिक स्थल को लोगों ने एक को शहीद कर दिया गया एक बस, आ, स्थान को धार्मिक स्थान को इस तरह को करके लोगों को इकट्ठा किया गया और वो सुनियोजित था अगर ऐसी स्थिति बार बार आ रही है मुजफ्फरनगर में आ रही है मोदीपुरम में आ रही है जगह जगह आ रही है उत्तर प्रदेश में आ रही है हर जगह आ रही है और सरकार अपनी विफलता के एक के बाद एक उसकी विफलता दिखती जा रही तो है और वह उसके दंगों पे एक आरोप लगा, लगा रही कि थीक 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 है कि की ठीक है जसवीर जी से आऊंगा जयरसन साहब आपके पास में जसवीर जी ठीक है ठीक है जसवीर जी साहब इसका जवाब ले लेते हैं जजवीर जी चाहिए यहाँ पर जो है अब तक तमाम जो आरोप हैं वो मीडिया पर लगाए गए हैं सपा पार्टी की तरफ से मुलायम सिंह यादव की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से कि मीडिया ने इस पूरे मसले को उठाया है हम दूसरे स्टेट की बात आप लोग क्यों नहीं करते हैं बीजेपी जो है इन तमाम मसलों को हवा दे रही है अमेरिका को हवा देने कौन गया नहीं और जो सत्य है कि कि ठीक है सवाल इस बात का कि अमेरिका के पास इस वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने को कुछ है नहीं और अगर वो चाहता है इन देशों में अपनी चौधराहट करना पाकिस्तान को खुश करना चाहता है हाँ। तो इस तरह की हरकतें तो अमेरिका दो दो करता रहेगा हो गई अभी कह रहे हैं कि अमेरिका हिंदुस्तान को खुश करने में दंगे है? किसने कराए सब जानते हैं हाई 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 हाँ, हाँ कोर्ट भाई खुश करने के लिए नहीं हमने कहा ये देख रहा है नहीं कि अभी आप, आप कह रहे हैं कि अमेरिका भारत को खुश करने के लिए ये कर रहा है इस तरह से उनको एक नकारा साबित किया जाए खुश करने खुश करने के लिए तो आ रहे हैं अभी क्यों बुला रहे हैं मोदी जी को मोदी जी को इसलिए तो बुला रहे हैं कि खुश करना चाहते हैं कि ताकि हमारी दुनिया थी, में है मोदी को, तो को, को बुला रहे हैं या उनके बीच में क्या चल रहा है भारत अमेरिका के बीच में तो किस तरीके के कूटनीतिक संबंध होंगे प्रधानमंत्री वो ठीक है गोपाल तो कृष्ण जी एक मिनट यसवीर जी ठीक है भारत तो के तो और भार अमेरिका के बीच में क्या कुछ चल रहा तो तो है नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरीके से नजरिया बदल रहा है वो एक अलग चीज है आप लोगों के लिए भी किस तरीके का नजरिया अमेरिका ने पाल लिया है सवाल यह है कि आप लोगों ने किस तरीके की छवि क्रिएट कर ली है अगर अमेरिका की बात की जाए या इस रिपोर्ट की बात की जाए उनके पास किस तरीके का अब मैसेज गया है उत्तर प्रदेश का सवाल यह है जवाब लूंगा आपसे एक ब्रेक ले रहे हैं यहां पर तुरंत लौटते हैं